हे एवरीवन, बहुत 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 कॉन्फिडेंस जुटाने के बाद मैं फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रही हूँ। मुझे डर था कि शायद मेरे कलर कॉम्प्लेक्शन को लेके मेरे कोई वीडियो देखेगा ही नहीं तो मैं क्यों ही बनाऊँ, बट बहुत 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 अपने आप से लड़ाई करने के बाद आई डिसाइडेड कि मैं वीडियो बनाऊँगी एंड आई विल बूस्ट माई कॉन्फिडेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं अपने कलर कॉम्प्लेक्शन को लेके कभी इतना गिल्टी महसूस करूँगी। कहते हैं ना, कोई कोई बात ऐसी होती है जो डायरेक्टली हिट कर जाती है। सो मैंने भी कुछ ऐसा सुना तो मुझे हिट कर गया। अब मुझे थोड़ा सा अपने आप में बदलाव लाना है, अपनी पर्सनैलिटी में चेंज करना है। सोचा चलो ठीक है, वीडियो के माध्यम से हो सकता हो मेरे जैसे काफ़ी लोग ऐसे हों जिनको सुनना पड़ता होगा। सो आई डिसाइडेड कि हाँ, मैं अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा बूस्ट करूँगी। सबसे पहले मैंने अपने हैंड को क्लिनजिंग मिल्क से क्लियर किया। बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा था क्लिनजिंग मिल्क, टोनर, मॉइस्चराइज़र, बहुत सारी चीज़ें लोग यूज़ करते, बट मैंने अभी तक कोई चीज़ नहीं यूज़ करी। ये सारे प्रोडक्ट मैंने स्माइटन से ट्रायल प्रोडक्ट मंगाया था वीडियो बनाने के लिए, बट मैंने कभी स्टार्ट ही नहीं किया। सो इससे अच्छा मौका और कब मिलता, तो मैंने फ़र्स्ट वही यूज़ किया। सेकंड मैंने स्क्रब किया है, कॉफ़ी स्क्रब आया था स्मार्टन के साथ ही, ये फ्री प्रोडक्ट मिला था मुझे। सो ये भी ऐसे रखा था, सो आई डिसाइडेड चलो ये भी करते, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ में देखा था लोग वार्म वाटर में अपने हाथ डालते हैं उसके बाद स्क्रब करते हैं, तो स्क्रबिंग के लिए काफ़ी लोगों ने कैफे पाउडर यूज़ किया है। सो मैंने भी यही कॉपी किया। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इतने सारे वीडियोस देख के इतने सारे प्रोडक्ट्स मंगा लिए लेकिन कभी मैंने यूज़ ही नहीं किया। क्यों? काहिल के मारे। इतनी काहिल लड़की हूँ यार कि मैं क्या बताऊँ, अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देती थी, लेकिन जब ऐसा कुछ सुना मैंने सो बस वो सारी काहिलगिरी जो थी ना एक ही बार में सब दूर हो गई। स्क्रबिंग के बाद बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखा था पेस्ट भी लगाया था, तो मैंने भी पेस्ट बनाया है। सो सबसे पहले मैंने यूज़ किया इसमें मुल्तानी मिट्टी, सेकंड हमारा था रोज़ पाउडर और थर्ड हमारा था कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी तो यार ये नाम की थी, मीशो से मंगाया था, इन्होंने किचन हल्दी भेज दी तो मैंने वापस नहीं किया, रख ही लिया। घोलने के लिए काफ़ी सारे लोगों ने रोज़ वाटर यूज़ किया था लेकिन मैंने रोज़ वाटर ना लेकर के, क्योंकि मेरे पास था नहीं, हिबिस्कस वाटर मैंने बनाया था अपने बालों के लिए तो मैंने वही डाल दिया। हिबिस्कस वाटर भी बहुत बहुत अच्छा है कहते हैं लोग, अब यूज़ करूँगी मैं तो खुद ही पता चल जाएगा यार। 15 मिनट मैंने लगा के छोड़ दिया था, उसके बाद तो जब ड्राई हो गया लेमन से थोड़ा सा मैंने स्क्रब किया एंड देन आई वॉश इट। वॉश करते टाइम हैंड इतने मुलायम हो गए थे यार, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे हैंड्स इतने सॉफ्ट होंगे, बेबी सॉफ्ट होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब।